नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन में। और आज हम लोग लेकर के आए हैं कि कैसे एक BLDC फैन को 24 वोल्ट की सप्लाई से चला सकते हैं, जो कि एक एक्सटर्नल सप्लाई होने वाली है, और या फिर अगर आप बैटरी से चलाना चाहें तो बैटरी से भी कैसे चला सकते हैं। क्योंकि जनरली मेनली जो मैंने पुराने वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उस पर सभी के कमेंट आए हैं कि कैसे इस SMPS को, इस फैन को रिपेयर किया जा सके। तो इस फैन में जो बेसिकली जो खराब होने पार्ट जो पार्ट है वो एक SMPS है। तो चैनल, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दूसरे लोग को शेयर करें, और उधर बेल का बटन है उसको बेल बटन को प्रेस करें ताकि आप लोग को लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस फैन में क्या होता है, देखिए इस फैन के अंदर में ऐसा एक SMPS सर्किटरी होता है जिसको जो कि जनरली जो है वही ख़राब हो जाता है मेनली। ओके, तो इस सर्किटरी में यहाँ पे जो ये जो फ़ैन काम करता है, ये फ़ैन जो है ये 90 वोल्ट AC से 265 वोल्ट AC पे काम करता है। और जब हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं 90 वोल्ट से 265 AC, तो ये AC से यहाँ पे कुछ 265 मैक्स वॉट एवर AC इनपुट इज देयर, सो VAC मल्टीप्लाई बाय √2। सो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा इस पॉइंट पे आफ्टर रेक्टिफिकेशन कैपेसिटर के पास में, वो इतना वोल्टेज हो जाएगा। वो वोल्टेज जो होगा अप्रॉक्सीमेटली 325 वोल्ट के आसपास नॉमिनल वोल्टेज पर होगा। ओके, तो और ये जो सर्किटरी यहाँ पे जो देख रहे हैं, अभी सर्किटरी में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब सप्लाई अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो सर्किटरी हमको दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड EMIMC फिल्टर। ये सर्किट में इसलिए लगाते हैं क्योंकि कोई भी SMPS जब हम चलाते हैं तो बिकॉज ऑफ स्विचिंग, हम यहाँ पे स्विचिंग कर रहे हैं जो कि ये सर्किटरी है। यहाँ पे हम हाई फ्रिक्वेंसी पे स्विच कर रहे हैं जो कि स्विचिंग फ्रिक्वेंसी इसका होगा। स्विचिंग फ्रिक्वेंसी इज अप्रॉक्सीमेटली रेंज ऑफ 25 किलोहर्ट्ज़ टू 300 किलोहर्ट्ज़। ओके, सो इस फ्रिक्वेंसी में इसको बनाया चलाया जाता है और इसके थ्रू हम SMPS को, दिस इज कॉल्ड SMPS, इसके थ्रू एक DC सप्लाई हमको यहाँ पे मिलता है जो कि होता है 24 वोल्ट VDC। ओके, तो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। सो तो बेसिकली यहाँ पे ये जो सर्किटरी है बिकॉज ऑफ द स्विचिंग नॉइस उसको अवॉइड करने के लिए लगाया गया है, ताकि हमारा अदर इक्विपमेंट जो कि जा अदर TV या फिर कोई अदर इक्विपमेंट है उसको इफेक्ट ना हो, बिकॉज ये स्विचिंग नॉइस ट्रेवल होकर के बैक होकर के आपके पावर लाइन में ना जाए। तो ये SMPS, ये एक फिल्टर सर्किट लगाया होता है। आफ्टर दिस फिल्टर सर्किटरी यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये ब्रिज रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे कैपेसिटर को चार्ज कर दिया जाता है, वो भी 325 वोल्ट DC पे। तो दिस इज DC। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जब वोल्टेज हमको मिल जाता है तो यहाँ पे एक MOSFET लगा होता है। तो जनरली इस सप्लाई में जो खराब होने वाला पार्ट है वो यही पोर्शन है, ये MOSFET खराब हो जाता है, इसीलिए सप्लाई काम करना बंद कर देता है। तो क्या होता है, ये MOSFET कैसे काम करता है, इस MOSFET के साथ में यहाँ पे एक SMPS ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। हाई वोल्टेज बिकॉज हाई वोल्टेज मीन 325 वोल्ट DC इज देयर और उसको हाई फ्रिक्वेंसी पे स्विचिंग कर रहे हैं, तो हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग करके हम उसको AC से DC बना रहे हैं। और यहाँ पे ये लगा हुआ है MOSFET, और इस IC में जो इस SMPS को चलाने के लिए जो PWM IC यूज़ किया जा रहा है वो है UCC28630। ये एक बहुत अच्छा फ्लाईबैक IC है, फ्लाईबैक PWM IC है। तो ये जो पूरा सर्किटरी है जो हम यूज़ करने वाले हैं इस फैन में, वो एक फ्लाईबैक SMPS है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम एक सिंगल स्विच यूज़ कर रहे हैं ऑपरेट करने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड अ फ्लाईबैक SMPS। सो आफ्टर दैट दिस ट्रांसफार्मर व्हेन AC से DC में कन्वर्ट कर देगा, मींस AC से लो वोल्टेज DC में कन्वर्ट करेगा, स्विचिंग यहाँ पे स्विचिंग 325 है, अकॉर्डिंग टू टर्न्स रेशियो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा। AC में यहाँ पे कुछ लिमिटेड वोल्टेज आएगा जो कि जो रिक्वायरमेंट है 24 वोल्ट DC के हिसाब से। तो यहाँ पे अगेन 24 यहाँ पे जो पीक आएगा वो अगेन हम चाहे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे जो वी पीक आएगा वो पीक 24 वोल्ट डिवाइड बाई √2। सो वो यहाँ पे पीक आना चाहिए, उस हिसाब से इसका टर्न्स रेशियो डिसाइड किया जाता है। और आफ्टर दैट यहाँ पर एक लगा हुआ है एक डायोड,
ठीक है, ये डायोड जो यहाँ पे दिख रहा है वो वहाँ पे जो सर्किटरी में होगा वो वैसा नहीं होगा, वो जो हम लोग नॉर्मली डायोड देखते हैं वो टू पिन का डायोड दिखाई देता है वो, लेकिन यहाँ पे जो यूज़ किया जाएगा हो सकता है टू पिन का डायोड हो और नहीं तो हो सकता है थ्री पिन का, लाइक कैसे कोई मॉस्फेट लगा हो उस टाइप का। तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा डायोड लगा है कि मॉस्फेट लगा हुआ है, ये लगा है या फिर ये लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी तीन टर्मिनल मिलने वाले हैं आपको। ओके, तो ये सर्किटरी है, उसके बाद में फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको कैपेसिटर को चार्ज कर दिया जाता है आफ्टर रेक्टिफिकेशन 24 वोल्ट DC। तो मेन हमारा ये जो काम कर रहा है सर्किटरी, ये 24 वोल्ट DC बना रहा है, ठीक है, 24 वोल्ट DC ही बनाने के लिए हमको ये SMPS चाहिए। तो जब हमारा सर्किटरी में ये पोर्शन खराब हो जाता है तो जस्ट रिमूव दिस टू टर्मिनल्स, ओके, और एक अलग से एक बैटरी ले लीजिए, 24 वोल्ट की बैटरी ले लीजिए या कोई 24 वोल्ट का कोई एक SMPS चार्जर ले लीजिए, उस चार्जर को का सप्लाई जो है प्लस पोर्शन को प्लस से कनेक्ट कर दीजिए, माइनस को माइनस से कनेक्ट कर दीजिए किसी भी एक्सटर्नल वायर से। ये कंटिन्यूस लगा भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक और डायोड लगा दीजिए, जिस डायोड का वैल्यू होगा कुछ 1N4007। ये डायोड 1 एम्पेयर के लिए रेटेड है, अगर आपने इसको लगाया तो 1 एम्पेयर देगा, बिकॉज आपका फैन जो लेने वाला है मैक्सिमम 1 एम्पेयर करंट लेने वाला है, ठीक है। तो इस ये लगा सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह पे 1N5058 04 लगा सकते हैं, 5804। ओके, तो ये डायोड लगा करके हम इस सर्किटरी को, ये डायोड जो 3 एम्पियर के लिए 1000 वोल्ट के लिए रेटेड है, तो इसके थ्रू हम यहां पे इस SMPS को चला सकते हैं, इस फैन को हम BLDC फैन को चला सकते हैं। SMPS को इस बैटरी से या किसी पावर अडाप्टर से रिप्लेस कर देना है, 24 वोल्ट का कोई अडाप्टर है मेरे पास में, AC-DC अडाप्टर, उससे हमको रिप्लेस कर देना है और इस फैन को चला सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि कैसे मैंने इस फैन को जो जिसका SMPS खराब हो गया उसको निकाल दिया है और हमने एक बाहर से एक SMPS लगा करके फैन को चला रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो में देखते हैं। तो हमारे पास देखिए ये एक VLDC फ़ैन है जिसका एक रिमोट हमारे पास में है और ये हमने BLDC फ़ैन को कनेक्ट कर लिया है 24 वोल्ट SMPS से, प्लस का प्लस में माइनस का माइनस में, और इसको हमने ओपन कर लिया है इस बॉक्स, इसका फ़ैन को, इसका पंखुड़ी निकाल दिया है हमने। अभी हम इसको पकड़ करके अब रिमोट से इसको ऑन करेंगे। देखिए हमने रिमोट से इस बटन को, पावर बटन को प्रेस किया और ये BLDC फ़ैन घूमना स्टार्ट हो गया। तो देखिए ये रोटेट हो रहा है स्पीड पे, तो इस तरह से ये रोटेट हो रहा है। ये जो बटन है इससे हम इसी स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट में जो दिया हुआ बटन। तो देखिए हम इसको प्रेस किया हमने तो इसमें लाइट भी ग्लो होती है, उससे वो स्पीड कम भी हो जाता है। अभी हम देखिए इंक्रीज़ कर रहे हैं दोबारा, तो इसको अगर प्रेस करते जाएंगे तो इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं रिमोट की हेल्प से। ये बहुत ही अच्छा फ़ैन है और हम इसको चला सकते हैं किसी दूसरे SMPS के थ्रू भी। अभी हम पावर बटन को प्रेस करेंगे तो ये फ़ैन ऑफ हो जाएगा और रुक जाएगा। देखिए हमने प्रेस किया था तो देखिए इस तरह से ये फ़ैन अभी ये रुक जाएगा, देखिए रुक भी गया। अभी दोबारा ऑन करेंगे तो देखिए दोबारा जैसे ही ऑन करेंगे लाइट ग्लो हुई और वो स्टार्ट हो गया स्लोली करके, सॉफ्ट स्टार्ट होता है तो स्लोली से वो स्टार्ट हो गया। तो अब दोबारा ऑफ कर देंगे हम इसको, फिर से ये रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रुक गया और ये जो है इसका SMPS है जो हमने रिमूव कर दिया है, SMPS सर्किटरी है, इसको हमने रिमूव करके निकाल के यहाँ पे दिखाया आपको, ये टॉप में लगा था। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम एक BLDC फ़ैन को एक एक्सटर्नल SMPS से चला रहे हैं? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस SMPS का सर्किट डायग्राम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग को अगर ये कुछ
डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।